राजा सबसे कितना ध्यान ही चमका देगा तो उसका काम हो जाएगा। अगर ऐसे सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। जिंदाबाद 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 बेटा, तो तुमको देना होगा। जो पदाधिकारी रहते हैं उनकी बात को भी लोगों के ऊपर बहुत सारी वो भी नहीं मानते, न सदस्यता सुन देते हैं, न मीटिंग में बुलाने से कोई वहां जाते हैं। तो जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी बिल्कुल हतोत्साह हो जाते हैं और इसके कारण से तहसील स्तर में हमारा संगठन जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और यदि तहसील स्तर में हमारा संगठन कमजोर है तो जाहिर है कि जिला स्तर पर भी सेलेक्शन में कोई दबाव नहीं। तो संगठन का यदि दबाव बनाकर नहीं रखेंगे और ये सोचते हैं कि सीधा प्रेम के बाद फिर पास ऐसी जादुई छड़ी है तो जाके मंत्रालय में मुख्यमंत्री को चमका देगा, राजस्व मंत्री को चमका देगा, राजस्व सचिव को चमका देगा तो उसका काम हो जाएगा। अगर ऐसे सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। मेरे पास कोई इतना पावर नहीं है। जो कुछ भी आप लोगों ने मुझको पावर दिया है वो आप लोगों को सहयोग से, आप लोगों की उपस्थिति से और संगठन के एकता से ही उसको वो पावर मिलता है। फिर भी मैं अपने चमड़े की चिक्का चला रहा हूँ और जा जाकर मामले भी हल करते रहता हूँ अभी कभी। परंतु मैं इस बात को भी जानता हूँ कि यदि हम लोग अपने स्तर से यदि हम लोग सजग नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ जितना भी एडी चोटी लगाए ताकत लगाए उसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती। और हर चीज का समाधान मंत्रालय नहीं है, बहुत भी चीजों के समाधान हम अपने तहसील स्तर पर भी कर रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं कई गुरुद्वारों का जो है आज सेवा भूमि के रूप में उनको भूमि दी गई, आज वही भूमि को जो है वो शासकीय किसी भी निर्माण कार्य में भवन बनाने में उसको लगा दिए। गुरुद्वार को न पूछे न किसी प्रकार से उसका सहमति लिए या उस जमीन को सरकार को आवश्यकता थी तो वो जमीन को वापस दूसरे जमीन को गुरुद्वारों को देना चाहिए, वो कार्रवाई पूरी नहीं होगी, उसका भी आदेश है हमारे पास। परंतु स्थानीय स्तर में आप लोग कुछ भी नहीं करते और जिसके ऊपर आप ड्यूटी होती है वो बेचारा इधर उधर निरंतर भटकते रहता है, लोकल पदाधिकारियों को सहयोग नहीं मिल पाता, वो भी दूसरे राजनेताओं का जाकर उनका सहारा लेने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो मामला है वो निचले स्तर से बिगड़ते जाता है जिसके कारण से ये व्यापक रूप लेकर के पूरे प्रदेश में समस्या खड़ी हो जाती है। मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी समय बाकी है, हम लोग चाहें तो सुधर सकते हैं, संगठन की एकता को बना करके रखेंगे, अपने तहसील स्तर में सब जागरूक हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे तो ये बहुत सी समस्या का समाधान हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। साथियों अभी समय है, यदि संगठन में इस प्रकार से एक दूसरे के ताज खींचने में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे की आलोचना करने में यदि हम समय बिताएंगे तो कुत्ते बिल्ली की तरह नोच नोच के ही अधिकारी कर्मचारी खा देंगे। आप लोग किसी का कुछ नहीं क्यों, एक बाबू एक चपरासी की स्थिति नहीं है। हम लोग एक चपरासी जाके आपको हड़का देता है, बाबू लोग आपकी नौकरी आपकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं आके आप पुकार करो यहाँ के ऐसा काम करो यहाँ के सुनाव पेटी में और इसको साफ करो, इसको ट्रक में इसको ऊपर में लोड करो, ट्रक से पेटी को उतारो, ये सब भूमिका करने के लिए आपको मैं और बड़े शौक से ड्रेस पहन करके हम लोग सब कर रहे हैं और दोस्त किसको देंगे, हमको दोस्त देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा तहसीलदार कौन सा कलेक्टर आपके जिले में आपके तहसील में आपसे क्या बेगारी करवा रहा है ये मैं कैसे जानूं। छह महीने से 16,000 कोटवारों को वेतन नहीं मिला है, पारिश्रमिक जिसे कहा जाता है, 100 रुपये रोजी से लेके 200 रुपये रोजी मिलता है, 3,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना अधिकतम मिलता है, वो भी 6 माह से नहीं मिला है। मंत्री से लेके संतरी तक और यहाँ पे पुलिस ड्यूटी देने वाले पुलिस वाले भी हर महीने 5 तारीख के पहले तनख्वाह पा जाते हैं, लेकिन मेरा कोटवार 6 महीने से जो 24 घंटे काम करता है, सबके लिए 8 घंटे निर्धारित है, लेकिन मेरा कोटवार 24 घंटे नौकरी करता है लेकिन उसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। इतनी बिकट स्थिति में मजबूरी में हमको शासन को बिना सूचना दिए हड़ताल के लिए उतरना पड़ा और हमारा आज 22 तारीख का आंदोलन था, लेकिन 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और हमें एक अवसर मिला सरकार के पास जाने का और नई सरकार यहाँ आई है तो हमने साहब जी से मिलना उचित समझा। रात में हम साहब जी से मिलने गए थे, कोटवाल संघ का प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ, प्रेम किशोर बाघ जी भी थे और वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी का अवगत कराया गया, ज्ञापन दिया गया, उन्हें बताया गया, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर 6 माह का जो वेतन है उसका आवंटन जो है कोटवारों के लिए दे दिया जाएगा और
सात मार्च तक जो है सभी कोटवारों को वेतन मिल जाएगा। हमारी मेन मांग, तत्कालिक मांग, नियम को तोड़ते हुए जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि जब सबको वेतन मिलता है तो कोटवारों को भी 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। साथ ही हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोटवारों को 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती है तो 10 तारीख से कोई कोटवार काम नहीं करेगा। मैं अपन महासमुंद जिला से कोमाखान तहसील और मैं ग्राम नरतुरी के कोटवार हूँ। मोर नाम है हेमंत कुमार टांडे। हमन ला 5 से 6 महीना लगभग जो प्रासारमिक जो मिलते हैं हमारे काम केवज में एक भुगतान नहीं हो पैसे और हमारे बहुत कम रुपया मिलते जेकर से हमारे लोग लेके के भरण पोषण खुद के ऑफिस के आना जाना के जो खर्चा वाहन करना रहते हैं ये सब चीज़ है बहुत मुश्किल हो गई इसे। अभी शादी विवाह के भी कार्यक्रम है। अब ये परिस्थिति में सरकार के द्वारा हमारे प्रति बिल्कुल ओछी एक मानसिकता दिखी जेकर से हमन बहुत परेशान हैं और अपन प्रांत अध्यक्ष जो प्रेम किशोर बाग जी हैं ये हमेशा से संघर्षरत है और छत्तीसगढ़ के 16,000 कोटवार इस परिस्थिति से सब जूझत हैं और अपन बाग जिला सब समर्थन भी करत हैं और हमारे मांग ला सरकार तक के पहुँचा भी रखे इससे। अब आज सुने पर ये मिले थे कि 22 तारीख के जो महोदय जी के जो जन्मदिवस रही से वो अवसर में तत्काल कोटवार मन के जो 5-6 महीना के जो पारिश्रमिक राशि हैं वाला भुगतान करे पर 10 मार्च के पहली एक आश्वासन मिले हैं। लेकिन खमन ला हमेशा शोषण के शिकार सरकार के द्वारा करे जाते चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के। अब हमारे मन के हर मांगला अनदेखा कर दिया। आज हम अपन गांव से कम 150 किलोमीटर के दूर रायपुर के कर्मचारी भवन में आज खड़ा हमारे अध्यक्ष है। प्रांत अध्यक्ष के द्वारा अभी सूचना से मिले जाते हैं कि मार्च महीना में 10 और 15 तारीख के बीच में एक और बड़े कार्यक्रम सम्मेलन के रूप में करे जाए। यदि सरकार तक हमारे बात पहुँचाए के बावजूद सरकार यदि हमारे बात के अवहेलना करी तो छत्तीसगढ़ के 16,000 कोटवार यहाँ उग्र प्रदर्शन के तैयार। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस